तो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सोशल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा चैप्टर है ज्योग्राफी से है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें आज का जो हमारा चैप्टर है ज्योग्राफी से, परिवहन, संचार एवं व्यापार। सो फ्रेंड्स, इसमें सारा का सारा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव देखेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। सो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको समझ में आ जाए। फ्रेंड्स, इस चैनल पर आप लोग को चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड किया जा रहा है। चलिए, आज का जो हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह। सो फ्रेंड्स, भारत का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई में है, इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखिए आप लोग, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था। सो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, 1986 ईस्वी में किया गया था। भारत अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था, तो आप लोग को इसका सही आंसर बताना है 1986 ईस्वी में। देखिए 2018 में ये फर्स्ट सीटिंग पूछा गया है। सारा क्वेश्चन आप लोग को इंपॉर्टेंट बताएंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, देखते हैं हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है। तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे, इनोर पतन किस राज्य में स्थित है। इनोर पतन किस राज्य में स्थित है, इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में इनोर पतन कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे फोर्थ नंबर क्वेश्चन, भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया। भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। सो फ्रेंड्स, फोर्थ नंबर का सही आंसर हो जाएगा डी, 8 भागों में। भारत को जो है 8 भागों में, डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। चलिए हम लोग बात कर लेंगे यहाँ पे फाइव नंबर क्वेश्चन, देखिए 2018 में सेकंड सीटिंग पूछा गया है, देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है। देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है, देखिए 2018 में सेकंड सीटिंग पूछा गया है। सारा क्वेश्चन आप लोग को इंपॉर्टेंट होगा, कहीं कोई आप लोग के बोर्ड एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं होगा। फ्रेंड्स, चलिए इसका फाइव नंबर का सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, 15। देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15। चलिए हम लोग बात कर लेंगे यहाँ पे सिक्स नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी। सो फ्रेंड्स, सिक्स नंबर का जब आपका सही आंसर हो जाएगा सी, 3.88 लाख किलोमीटर। चलिए हम लोग बात करेंगे यहाँ पे सेवन नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है, तो सेवन नंबर का जब आपका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, स्वर्णम त्रिभुज राजमार्ग, इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। सो फ्रेंड्स, हम लोग आप बात करेंगे एट नंबर क्वेश्चन को, एट नंबर क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कोलकाता, दिल्ली से कोलकाता तक के राष्ट्रीय जलमार्ग निम्नलिखित में से कौन है। मतलब दिल्ली टू कोलकाता तक राष्ट्रीय राजमार्ग निम्नलिखित में से कौन सा, मतलब रोड का जो नाम है जिसे हम लोग बोलते हैं NH 31, जो भी है वो क्या है। तो दिल्ली से कोलकाता जो राष्ट्रीय राजमार्ग निम्नलिखित में से कौन सा है, तो एट नंबर का सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, NH 2। चलिए हम लोग बात करेंगे यहाँ पे नाइन नंबर क्वेश्चन, बड़ी लाइन में रेलवे की पटरियों के बीच कितनी दूरी होती है। बड़ी लाइन जो होती है रेलवे की, वो रेलवे की पटरियों के बीच की जो दूरी होती है, इसकी जो दूरी होती है बीच की दूरी कितनी होती है। सो फ्रेंड्स, नाइन नंबर का जब आपका सही आंसर हो गया बी नंबर, 1.676 मीटर। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं टेन नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे टेन नंबर क्वेश्चन देखा जाए, भारत में टेलीफोन की सेवाएं कब प्रारंभ हुई, मतलब आरंभ हुई थी। सो फ्रेंड्स, भारत में टेलीफोन की सेवाएं कब आरंभ हुई थी, मतलब टेलीफोन जो हम लोग कब से यूज़ करने लगे हैं। हालांकि हम अब लोग मोबाइल यूज़ करते हैं, और लेकिन इससे पहले हम लोग टेलीफोन यूज़ करते थे। टेलीफोन कब यूज़ होने लगा, आरंभ हुआ, शुरुआत कब से हुई है, तो टेन नंबर का जो आपका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, 1881 ईस्वी में हम लोग टेलीफोन यूज़ करने लगे। 1881 ईस्वी से क्या, हम लोग टेलीफोन यूज़ करने लगे हैं। और आप लोग को तो पता है अभी का जो ज़माना है एंड्रॉयड फ़ोन, पहले सबसे पहले जो था टेलीफोन था इससे पहले। तो फ्रेंड्स, हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे 11th नंबर का क्वेश्चन, भारत में आकाशवाणी के कितने केंद्र हैं। सो फ्रेंड्स, आकाशवाणी जो हम लोग रेडियो पे सुनते हैं, आकाशवाणी वहाँ पे सारी चीज़ सुनाते हैं, न्यूज़ वहाँ के जो भी पूरे भारत या देश में जितने भी वर्ल्ड का सारा न्यूज़ हम लोग आकाशवाणी से सुनते हैं। तो भारत में जो आकाशवाणी केंद्र कितने हैं, ये बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आप लोग को इस क्वेश्चन को जानना चाहिए कि भारत में आकाशवाणी केंद्र कितने हैं। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, 403 है पूरे भारत में 403 आकाशवाणी केंद्र है। सो फ्रेंड्स, हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन को, भारत का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र विशेष आर्थिक क्षेत्र, मतलब संवर्धन क्षेत्र थोड़ा सा आप लोग नहीं समझ पाए हैं, तो इसमें ब्रैकेट से यहाँ पे हम लोग दिए हैं आर्थिक क्षेत्र को कहते हैं, विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया। सो फ्रेंड्स, 12 नंबर का जब आपका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, कांडाला।
चलिए हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन में निम्न में कौन से दो दूरस्थ स्थित स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़ी हुई है। सो फ्रेंड्स, आपका जिसका सही आंसर हो जाएगा 30 नंबर का बी नंबर, मुंबई टू कोलकाता। निम्न में से कौन दो दूरस्थ मतलब बहुत दूर स्थित स्थान मतलब पूर्व से पश्चिम की ओर दो स्थान है, एक पूर्व है और एक पश्चिम है, जो गलियारे से जुड़ी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आपका सही आंसर हो जाएगा ये है मुंबई और ये कोलकाता, जो कि दूरस्थ स्थित स्थान है जो गलियारे से जुड़े हुए हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम आप लोग को बताते हैं यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन वाहनांतरण हानियों तथा देरी को घटाता है? सो फ्रेंड्स, 40 नंबर का जो आपका सही आंसर हो जाएगा सी पाइपलाइन। पाइपलाइन जो है दूरियों को घटाती है और देरी को घटाती है फ्रेंड्स। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे 50 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है? निम्न में से कौन सा राज्य, जैसे यहाँ पे राज्य का नाम दिया हुआ, कुछ नीचे राज्य का नाम दिया हजीरा विजयपुर जो है विजयपुर से जगदीशपुर पाइपलाइन से जुड़ा नहीं हुआ है। जगदीशपुर किस पाइपलाइन से जुड़ा हुआ नहीं है? सो फ्रेंड्स, 50 नंबर का जो आपका सही आंसर का बी नंबर, महाराष्ट्र जो है पाइपलाइन से जुड़ी नहीं हुई है। फ्रेंड्स, हम लोग बात कर लेते हैं आप 60 नंबर क्वेश्चन। इनमें से कौन सा पतन पूर्वी तट पर स्थित है जो अंतः स्थानीय एवं अधिकतम गहराई का पतन है तथा पूर्ण सुरक्षित है? यहाँ देखिए, इनमें से कौन सा पतन पूर्वी तट पर स्थित है जो स्थानीय तथा अधिकतम गहराई का पतन है तथा पूर्ण सुरक्षित है? फ्रेंड्स, 60 नंबर का सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, विशाखापत्तन जो है जो स्थानीय तथा अधिकतम गहराई का पतन है और तथा पूर्ण सुरक्षित भी है विशाखापत्तन। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ 70 नंबर क्वेश्चन को। फ्रेंड्स, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब, क्योंकि आप लोग को इसी पे सारा ऑब्जेक्टिव वाइज चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव मिलेगा। सो फ्रेंड्स, चैनल को कर ले सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर ले। और खास बात आप लोग के लिए कि आप लोग जो जितने इसमें से क्वेश्चन हमारे आप लोग को बताएंगे उसमें से कितने क्वेश्चन आप लोग को याद था वो हमें कमेंट करके बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। सो फ्रेंड्स, एक होता है कि आप लोग को कितना याद है नहीं है, इससे आप लोग जान सकते हैं वीडियो देख के। तो 70 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। इनमें कौन व्यापारिक केंद्र गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो 70 नंबर का जो आपका सही आंसर हो गया सी नंबर, जबलपुर। जबलपुर जो है गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। चलिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं 80 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? 80 नंबर का जो आपका सही आंसर हो गया ए नंबर, राष्ट्रीयकरण जो है आर्थिक नीति का अंग नहीं है। चलिए हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे 90 नंबर क्वेश्चन। भारत के किस राज्य में सड़कों की लंबाई सबसे अधिक है? 90 नंबर का सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश जो है सड़कों की लंबाई सबसे अधिक है। उत्तर प्रदेश में सड़कों की लंबाई सबसे अधिक है, यूपी इसको बोलते हैं, उत्तर प्रदेश, या आप लोग यूपी भी बोल सकते हैं उत्तर प्रदेश को। भारत के किस राज्य में सड़कों की लंबाई सबसे अधिक है? तो यूपी हो जाता है स्टेट, यूपी स्टेट या उत्तर प्रदेश। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन को। 20 नंबर क्वेश्चन में दिया है भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का राजमार्ग, मतलब भारत का जो सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का राजमार्ग जो होता है, हाईवे होता है, वो कौन सा है? भारत का पहला सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर राजमार्ग कौन सा है? तो 20 नंबर का जो आपका सही आंसर हो गया ए नंबर, मुंबई टू पुणे जो है राजमार्ग है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के राजमार्ग और सबसे पहला है मुंबई टू पुणे जो अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग है। आप लोग इस चीज़ को अच्छी तरह से याद कर लें। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन। भारत में दूरदर्शन का रंगीन प्रसारण कब शुरू हुआ? 21 नंबर का जो सही आंसर हो गया यहाँ पे बी नंबर, 1982 ईस्वी में जो है रंगीन प्रसारण जो शुरू हुआ था। फ्रेंड्स, उसके बाद हम लोग के पास फ़ोन भी स्टार्ट हो गया था, दूरदर्शन जो टेलीविज़न वगैरह हम लोग देखते हैं वो सारे के सारे चीज़ हम लोग 1982 ईस्वी से सारा चीज़ हम लोग को शुरू होने लगा, उसी के मिलने लगा। तो आप लोग को पता होगा इससे पहले हम लोग देखते थे सादा वाला टीवी, ब्लैक एंड वाइट टीवी देखते थे, लेकिन कुछ दिन बाद ही डेवलप होते होते इतना डेवलपमेंट हो गया कि हम लोग के
फ़ोन में भी हम लोग वीडियो देख लेते हैं, मूवी देख लेते हैं, हर चीज़ देख लेते हैं। अभी आप लोग पढ़ भी रहे हैं तो फ़ोन से ही पढ़ रहे हैं, तो सारी चीज़ है कि धीरे धीरे हुआ। तो लेकिन कब हुआ था इस बात को आप लोग को याद रखना है कि 1982 ईस्वी में ये सारा चीज़ धीरे 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 करके शुरुआत हुआ था इस चीज़ की। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन को, भारत के किन शहरों में मेट्रो सेवा उपलब्ध है। भारत के किन शहरों में मेट्रो सेवा उपलब्ध है। फ्रेंड्स अभी हम लोग बात करते हैं बिहार की, हम लोग बिहार से जुड़े हुए हैं तो बिहार में तो अभी मेट्रो सेवा उपलब्ध नहीं है, लेकिन हालांकि जल्द ही मेट्रो सेवा उपलब्ध हो जाएगा। तो भारत के किन शहरों में मेट्रो सेवा उपलब्ध है अभी आप लोग को हम बता देंगे, भारत के किन शहरों में मेट्रो सेवा उपलब्ध है। तो 22 नंबर का जो आपका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, दिल्ली टू कोलकाता। फ्रेंड्स आपको बता दें दिल्ली और कोलकाता में जो है अभी मेट्रो सेवा उपलब्ध है, लेकिन हम लोग के बिहार में, हम लोग बिहार से ही पहले बात करते हैं, बिहार में अभी तक मेट्रो सेवा उपलब्ध नहीं हुई है। हालांकि काम चालू है बट अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ। पटना से, पटना टू दिल्ली स्टार्ट होगा, बहुत जल्द ही स्टार्ट होगा। हम लोग को देखने को मिलेगा कि पटना टू दिल्ली हम लोग मेट्रो से सफ़र कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स वीडियो कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताना, और ख़ास बात आप लोग के लिए है कि आप लोग ये कमेंट जरूर करें कि आप लोग जो आज जो 22 क्वेश्चंस देखे हैं, 22 क्वेश्चंस में से आप लोग को कितने क्वेश्चंस याद थे पहले से। इससे हालांकि आप लोग को एक चीज़ होगा कि आप लोग को पता होगा कि हमें 22 नंबर क्वेश्चन में से हमें 5-6 याद था, इससे होगा कि अपने आप को तोला जा सकता है कि हमें इतनी जानकारी है। और इससे यदि कम याद होगा तो आप लोग को पता चलेगा कि हमारी जो स्टडी है कम है, हम अध्ययन कम कर रहे हैं, उसे ज़्यादा करना होगा। फ्रेंड्स वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सो फ्रेंड्स अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो चैनल को करें सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को कर दें प्रेस, ताकि आपको इसी तरह का वीडियो समय पर मिलता रहे। फ्रेंड्स तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं एक नए वीडियो को लेकर। जय हिंद जय भारत।